गुड इवनिंग एंड वेलकम फ्रेंड्स टू रेनड्रॉप एकेडमी। आज हम लोग ये जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसका हम लोग फिफ्थ सेशन आज करने वाले हैं। और मैं सभी अपने जो फ्रेंड्स को जो मेरा वॉच कर रहे हैं इसको, उनको मैं ये एडवाइस करूंगा कि बाकी के चार वीडियोस आप देखो, अगर वो आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप अगर ये भी वीडियो देखते हो तो पूरा चैप्टर का इसमें मैं फुल जो एक्चुअली क्या है मेन पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो ये वाला वीडियो को मैं अगर इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो बोलूं तो गलत नहीं होगा। तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग अदर फोर वीडियोस इट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज इन दिस वीडियो आई विल बी डूइंग विद द समरी। तो समराइज करूंगा टॉपिक को, और इसमें क्वेश्चन सर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये हम लोग का जो 1.6 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का, उसका मेनली है। तो चलते हैं, अब मैं अपने वीडियो को ऑफ कर लेता हूँ और मेरे स्क्रीन पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको मेरा स्क्रीन दिखना शुरू हो जाएगा और इसको फिर हम लोग अब ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका पहले वाला एक्सरसाइज जो है, जो हमने पहले वीडियो कर लिया है उससे आया है। ये है 1.5 एक्सरसाइज का। ये मैं जस्ट आपको एक बार फिर से रिपीट करने के लिए इस चीज को दोहरा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए इसमें करना क्या है, रैशनलाइज 1/√5 + √2। तो देखिए अगर ये रैशनलाइज करने आपको बोला जा रहा है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गेट रीड ऑफ रूट इन द डिनोमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर है इसमें रूट हटाना है। तो आपको एक चीज ध्यान होगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, दिस इज ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट्स बी स्क्वायर। तो हम लोग को यही वाला जो है यूज करना है। तो अगर ए प्लस बी दिया हुआ डिनोमिनेटर में तो ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आपका ये रूट जो है वो यू विल बी गेट रिड ऑफ दिस रूट, √5 + √2। जो मल्टीप्लाई नीचे होगा डिनोमिनेटर में वही मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा, तो देर इज नो प्रॉब्लम इन द फ्रैक्शन। -√2 कर दिया क्योंकि ये ए प्लस बी के फॉर्म में है, √5 - √2। सो व्हाट यू गेट इन द डिनोमिनेटर इज, पहले डिनोमिनेटर लिख लेते हैं फिर न्यूमरेटर पे चलते हैं, √5² - √2² और यहां पे आ जाएगा √5 - √2। ओके, सो न्यूमरेटर रिमेन्स द सेम, √5 - √2, और √5² मीन्स 5 to the power of 2 / 2, दैट इज 5 to the power of 1, दैट इज 5 - 2। ये 5 है माइनस 2, सो व्हाट यू गेट, √5 - √2 / 3। सो दिस इज योर आंसर व्हेन यू आर टोल्ड टू रैशनलाइज। रैशनलाइज करने का क्वेश्चन हो तो इस तरह से करना है आपको, फॉर्मूला जो यूज करना है दैट फॉर्मूला हैज टू बी ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ब्रैकेट्स इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अब फ्रेंड्स हम लोग आगे चलते हैं, और उसमें जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कंपिटिशन के लिए भी, और आपको जो क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं वो इसी से आएंगे, तो इस चैप्टर से, दैट इज फ्रॉम द नंबर सिस्टम। जो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, एक बार जस्ट मैं फास्ट में रिकैप करता हूँ। नंबर सिस्टम में हमने इसमें पढ़ा, वी रेड द नेचुरल नंबर्स टू स्टार्ट विथ, दैट इज 1 to लेके इन्फिनिटी तक, देन होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक, देन वी रेड अबाउट इंटीजर्स, दैट इज माइनस नंबर माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, और नंबर लाइन भी पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा फ्रैक्शनल नंबर्स, फ्रैक्शन नंबर्स इन द p/q फॉर्म, और इन सबको अगर आप मिला दो तो यू गेट रैशनल नंबर्स, दैट इज फ्रॉम फ्रैक्शन व्हेन यू वंस फ्रैक्शन इट इंक्लूड्स, रैशनल नंबर इंक्लूड्स फ्रैक्शनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। ओके, उसके बाद में सम नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर, और रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स इज रियल नंबर्स, दैट्स व्हाई वी कॉल द नंबर लाइन इज एक्चुअली रियल नंबर लाइन, क्योंकि हर डॉट नंबर लाइन पे आइदर इट रिप्रेजेंट्स ए फ्रैक्शनल सॉरी ए रैशनल नंबर और इट रिप्रेजेंट्स ए इरेशनल नंबर।
तो एनीवे दैट वाज द रीकैप। अब हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला वाला जो है इसमें, दीज आर द जनरल वे ऑफ राइटिंग, इसको हम लोग एग्जाम्पल देके समझेंगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, ए टू द पावर ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर ऑफ क्यू, ये क्या है, पावर और मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन डू यू यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू एडिशन। तो ये हो जाता है ए टू द पावर ऑफ पी प्लस क्यू। सपोज इसका एग्जाम्पल लेते हैं टू टू द पावर ऑफ थ्री, दिस डॉट इंडिकेट्स मल्टीप्लीकेशन। चलिए मैं मल्टीप्लीकेशन लिख देता हूं, टू द टू टू द पावर ऑफ फाइव, वॉट विल बी आंसर, टू टू द पावर ऑफ थ्री प्लस फाइव, ओके। सो दिस बिकम्स टू टू द पावर ऑफ एट, ओके। तो ये आपका इस तरह से आपको करना होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला। हाँ, अब नेक्स्ट सेकेंड वाला फॉर्मूला को चलते हैं, इसको भी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ए टू द पावर ऑफ पी, ए सबसे क्या कर रहे हैं, ए पी एंड क्यू से जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा है, उसको हम लोग ये स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करके देख रहे हैं। तो ए टू द पावर ऑफ पी, सपोज यू से गेट टू टू द पावर ऑफ टू टू द होल पावर ऑफ से सेवन, सो वॉट इट विल बिकम, ए टू द पावर ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू। सो टू टू द पावर ऑफ, पहले वाले में एडिशन था, इसमें ध्यान दीजिए मल्टीप्लीकेशन है, सो इट बिकम्स टू टू द पावर ऑफ 14, ओके। ये आपका इस तरह से होता है। नाउ अगर आपको इस तरह से जब आ गया ब्रैकेट्स के ऊपर पावर, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। नाउ उसके बाद में इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अगेन मैं ए को जनरली टू ले रहा हूं, इस बार टू उसको हटा देते हैं, इस बार हम लोग फाइव ले लेते हैं, से फाइव टू द पावर ऑफ पी, पी को हम लोग थ्री ले लेते हैं, टू द डिवाइडेड बाई फाइव टू द पावर ऑफ टू। सो क्या होगा, जब भी डिविजन होगा, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर योर बैक चैप्टर्स, बैक कोर्सेस या पिछले क्लासेस में, डिविजन इज रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे भी पावर में भी सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ओके। इट विल डिक्रीज द पावर ऑफ फाइव, फाइव टू द पावर ऑफ थ्री माइनस टू, यू गेट फाइव टू द पावर ऑफ वन, विच इज नथिंग बट फाइव, ओके। तो ये आपका इससे क्लियर हो गया। नाउ यू गेट दिस वन, ए टू द पावर ऑफ पी एंड बी टू द पावर ऑफ पी, अगर दोनों का पावर सेम है, मतलब दो नंबर्स हैं, जैसे टू टू द पावर ऑफ फोर, ठीक है, एंड सॉरी टू टू द पावर ऑफ फोर एंड थ्री टू द पावर ऑफ फोर, व्हाट यू टेक, यू गेट इज टू इंटू थ्री, दैट इज सिक्स टू द पावर ऑफ फोर। डायरेक्टली आप टू इंटू थ्री कर दीजिए इधर अंदर में, और उसके बाद उसका आप ऊपर पावर लिख दीजिए, जो दोनों के पावर हैं कॉमन। तो ये हो गया यहां तक। नाउ अब ये बड़ा बेसिक है, बट मैं इसको भी आपको बताना चाहता हूं। ए टू द पावर ऑफ वन बाई क्यू, दैट इज मान लीजिए 125 टू द पावर ऑफ से 1/3, 1/3 फॉर्म में आ गया ये, तो इट इज नथिंग बट 125, और ये जो है यहां पे 3 आ जाएगा, सो दिस इज थर्ड रूट ऑफ 125। अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, 3 और ये है 5 टू द पावर ऑफ 3, सो दिस बिकम्स 5 टू द पावर ऑफ 3/3 कट जाएगा, तो इट विल बी 5 टू द पावर ऑफ 1, विच इज नथिंग बट 5, ठीक है। अब यहां पे एक बड़ा मजेदार चीज है, ये तो था a टू द पावर ऑफ 1/3। अब जो देखिए a टू द पावर ऑफ माइनस पावर, या कोई भी नंबर उसका माइनस पावर में क्या होता है, सपोज इफ आई से 2 टू द पावर ऑफ -3, तो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम 2, सॉरी ये नहीं, इट विल बिकम 1/2 टू द पावर ऑफ 3। सो वन ये जो है ये इसलिए ऐड हो जाता है, सो दिस इज रॉन्ग, दिस एक मिनट में काट के लिखता हूं, 1 टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर 3, सो इट बिकम्स 1/8, ओके। सो ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये नेगेटिव पावर था, नेगेटिव पावर मतलब आपको 1/death पावर करना होगा। सो दिस इज हमने एग्जांपल को लेके समझा इसको। अब मैं आपको एक बड़ा सा जो कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है या इसमें भी पूछा जाएगा, आपके ओलंपियाड्स हो गए, तो उसके लिए क्वेश्चन देता हूं। मान लीजिए 3, 4, 7 टू द पावर ऑफ 32, ओके, पूछ देगा यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट इन दिस क्वेश्चन क्या होगा, ओके। यूनिट डिजिट को आपको ध्यान है, ये देख के लग रहा है ये क्वेश्चन तो मैं कर नहीं पाऊंगा,
मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मगर अगर आप इसको पास से देखो तो यूनिट डिजिट के लिए पहला हिंट, एक तो ये दोनों का कोई मतलब नहीं है, ओनली यूनिट डिजिट इज मेड बाय द यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट के लिए हमको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, तो मतलब अब हमारा क्वेश्चन 34 तो आप हटा दो, 7 टू द पावर ऑफ 32 का यूनिट डिजिट क्या होगा। ओके, अब अगर किसी फ्रेंड, मेरे फ्रेंड को आ गया है तो वो सॉल्व कर ले, वीडियो को रोक ले और उसके बाद अपना आंसर चेक करेंगे, और चेक करेंगे तो देखेंगे कि अगर उनका सही हुआ कि नहीं। तो इसका जो पावर हमको निकालना है, हमें देखिए ये फॉर्मूला जो है सेकेंड वाला फॉर्मूला, इसमें हम यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये देखिए मैंने इसको किया 7 टू द पावर ऑफ 4 टू द पावर ऑफ 8, ये फॉर्म पे लिख दिया। अब इसमें क्या होता है, पी क्यू, पी क्यू मतलब 7 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 इज 32, यही है क्वेश्चन, मैंने भी यही किया, कुछ गड़बड़ नहीं किया अभी तक। अब 7 टू द पावर ऑफ 4 क्यों लिखा, 7 टू द पावर ऑफ 5 क्यों नहीं लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि एक तो मेरे को डिवाइड करना था 32 को, और 7 टू द पावर ऑफ 4 इसलिए ला रहा था क्योंकि आपको याद होगा अगर 7 का पावर 2 होता है तो यूनिट डिजिट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यूनिट डिजिट, विल बी 9, 7 7 इज 49 होता है, तो यूनिट डिजिट इज 9। फिर अगर 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 7 टू द पावर ऑफ 3, तो मल्टीप्लाई होगा 7, सो यूनिट डिजिट 9 7 63, बाकी डिजिट भूल जाइए 3। अब अगर 7 टू द पावर ऑफ 4 होगा तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, सो व्हाट यू गेट, 7 3 इज 21, मतलब इन यूनिट डिजिट यू गेट ए 1, एंड 1 बड़ा मिराकुलस नंबर है, क्यों, क्योंकि अब ये वर्चुअली क्या हो गया, दिस 7 टू द पावर ऑफ 4 का यूनिट डिजिट होता है 1, सो इट इज 1 टू द पावर ऑफ 8, तो 1 टू द पावर ऑफ 8 का मतलब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 1 1 1 1 8 टाइम्स भी कर दीजिए, सो यू आर गोइंग टू गेट ए 1, सो इसीलिए 7 टू द पावर ऑफ 4 में मैंने ब्रेक किया और उसका ऊपर पावर हमने 8 लगा दिया, क्योंकि देन यू गेट ए 32 बाई दिस रूल, सेकेंड वाले रूल से। तो आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन विच वॉज लुकिंग वेरी टफ और लेंदी बिकम सो इजी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारा जो चैप्टर है नंबर सिस्टम विच इज रैशनल इरैशनल सारा हमने कंप्लीट कर दिया है। व्हाट आई विल डू, हम लोग अब इसका समरी ऑफ द चैप्टर पे जरूर जाएंगे, क्योंकि समरी ऑफ चैप्टर अगर आप कर लोगे तो आपका लगभग ये जो चैप्टर है पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। सो वी गो टू द समरी ऑफ दिस चैप्टर, जस्ट मैं अपना ये बुक ओपन कर लूं, प्लीज हैव पेशेंस। ओके, ये देखिए एक दो क्वेश्चन इसमें से भी देख लेंगे, 17 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 17 टू द पावर ऑफ 5, सो ये दोनों क्या है पावर प्लस हो जाएंगे, सो दिस विल बी 17 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 5, ओके दैट इज 7, 17 टू द पावर ऑफ 7। इसमें क्या होगा, जो अभी हमने यूज किया था 5 टू द पावर ऑफ 2 ब्रैकेट्स टू द पावर ऑफ 7, सो ये पावर मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी 5 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 2 14, सो इट विल बी 5 टू द पावर ऑफ 14। इसमें क्या है डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगा, सो इट विल बी 23 टू द पावर ऑफ 10 माइनस 7, सो यू गेट 23 टू द पावर ऑफ 3। इसमें क्या होगा 7 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 टू द पावर ऑफ 3, दोनों का पावर सेम है तो अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इट विल बी 7 9 जा 63 टू द पावर ऑफ 3। ओके, ये हमने अभी किया था। देन वी गो फर्दर, ये देखिए ए टू द पावर ऑफ एम इंटू ए, वही जो हमने अभी किया है उसी को समझाया गया है, ये हमने यहाँ पे देखिए कर लिया 17 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 17 टू द पावर ऑफ माइनस 5 है, सो 2 प्लस माइनस 5, सो इट इज बिकमिंग 17 टू द पावर ऑफ माइनस 3, और जहां माइनस पावर होता है तो यू हैव टू पुट ए 1 एंड डिनोमिनेटर में वो इसका पावर, सो 1 बाय 17 टू द पावर ऑफ 3। सो दिस क्वेश्चन ये देखिए 5 टू द पावर ऑफ 2 माइनस 7 था, हम लोग यहाँ पे माइनस साइन को मिस कर रहे थे, इसमें देखिए क्वेश्चन में हमने माइनस साइन को मिस किया था, नहीं यहाँ माइनस नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे ये प्लस में ही था तो हमने गलत नहीं किया था, बट यहाँ माइनस है तो 5 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 7, सो इट बिकम्स 5 टू द पावर ऑफ माइनस 14, तो फर्दर इसको अगर आपको आंसर लिखना है तो इट विल बिकम 1 बाई 5 टू द पावर ऑफ 14। एनीवे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप इसके एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा, 1.6 का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, जैसे मैंने बताया आपको कि कंपटीशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एक दो मैं सॉल्व करता हूं, 62 4 टू द पावर ऑफ हाफ, इसका मतलब क्या है नथिंग बट, एक बार मैं चलिए इसको आपको विदाउट पेन पेपर में किए बता रहा हूँ, इट बिकम्स रूट ओवर ऑफ 64, मीन्स
स्क्वायर रूट ऑफ 64 विच इज एक्चुअली 8, 32 टू द पावर ऑफ 1/5. तो इसमें क्या है, 2 टू द पावर ऑफ 5 होता है 32 टू द पावर इनटू 1/5, तो 5 इनटू 1/5 इज 1, सो यू गेट 2 टू द पावर ऑफ 1, सो दिस बिकम्स 2, इसका आंसर 2 है. 125 टू द पावर ऑफ 1/3, ये हमने सॉल्व भी किया था, दिस इज नथिंग बट 5 टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 1/3, मैं करके दिखाता हूं आपको, एक बार हमने अभी किया था वैसे इसको, फिर भी इसको कर लेते हैं. ओके, क्वेश्चन था 125 टू द पावर ऑफ 1/3, तो 125 इज नथिंग बट 5 टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 1/3, और अगर ये है इस तरह से तो दिस इज नथिंग बट 3 इंटू 1/3, तो 3 और 3 कट गए, सो यू गेट 5 टू द पावर ऑफ 1 विच इज नथिंग बट 5. तो ये आपका हो गया उस क्वेश्चन का आंसर. ओके, अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं. नाउ समरी ऑफ चैप्टर, यही मैं इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि आज आपका सारा रिपीट हो जाए. ए नंबर आर इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, एंड बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यू जीरो जहां हो गया, पी कैन बी जीरो बट क्यू कैन नेवर बी जीरो, और अगर क्यू जीरो हो गया तो इट इज नॉट डिफाइंड, देयर इज नथिंग यू कैन डिवाइड बाई जीरो. फिर उसके बाद में नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, अगर कैन बी रिटन तो वो हो जाता है रैशनल नंबर्स, इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, एंड एक्चुअली इट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग. तो रेकरिंग वाला आपको याद होगा जिसमें हमने बार करके दिखाया था, जैसे 0.3 बार या 0.357 बार, तो उसको कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है वो भी हमने सॉल्व किया था. और उसके बाद में जो इरेशनल नंबर्स है वो क्या होते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, इट विल नॉट टर्मिनेट, बढ़ते ही रहेगा और रेकर भी नहीं करेगा, ये नहीं कि जो 357 आते रहे या 0.3 बार में इट इज 0.33333 वो भी नहीं होगा, तो नाइदर इट विल टर्मिनेट नॉन रेकर करेगा, दैट इज फॉर इरेशनल नंबर्स. ये अभी हमने किया था, और उसके बाद में ये रैशनलाइज करने के लिए वी मल्टीप्लाई दिस बाय रूट, ये जो अभी हमने सॉल्व किया था रूट 5 प्लस रूट 2 फॉर्म में दिया हुआ था, तो a माइनस रूट भी हमने कर दिया था. सो ये आपका लगभग समरी ऑफ द चैप्टर इज ऑल्सो ओवर हियर. सो फ्रेंड्स, या कंसेप्चुअली अगर आप मैथ्स को समझना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ में. अभी हमने सिर्फ नंबर सिस्टम कंप्लीट किया है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे. चैप्टर 2 आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है पॉलिनोमियल्स का, और ऐसे करके आपका पूरा कोर्स को खत्म करेंगे. सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग.